दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैं आपके सामने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से संबंधित क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में क्लिक करके या फिर आई बटन पे क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हम मगध राज्य, हरेक वंश, नंद वंश और सिकंदर महान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं, उनको हम रिविजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बृहद्रथ को। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। हरेक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया? राजगृह। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई? अजात शत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा। उदयन की हत्या किसके द्वारा की गई? उदयन के पुत्र नागदशक के द्वारा। अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईस्वी पूर्व में। अजात शत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता था? कुणिक के नाम से। अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? वर्षाकार। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किसकी सहायता से प्राप्त की? अपने मंत्री वर्षाकार की सहायता से। अजातशत्रु की हत्या कब हुई थी? 461 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किस नगर की स्थापना की? पाटलीग्राम की। उदयन किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। उदयन का उत्तराधिकारी कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? नागदशक के द्वारा। शिशुनाग राजगद्दी पर कब बैठा था? 412 ईस्वी पूर्व में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहां पर स्थापित की? वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? पाटलिपुत्र में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? महापद्म नंद के द्वारा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? 359 ईस्वी पूर्व में। फिलिप की हत्या कब की गई? 329 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने हाइडेस्पीज का युद्ध किसके साथ किया? पंजाब के शासकों के साथ। हाइडेस्पीज के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को। सिकंदर भारत से कब लौटा? 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? 33 वर्ष। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? ये था निर्याकस। तो ये थे दोस्तों इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे इन प्रश्नों को
पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर जाकर भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।